तहजीब के बाद मुसलमान को किन किन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, इस पर मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मदरसा हाजा के दो तालिब इल्मों को, जिससे मेरी मुराद पिंजारा सरफराज बिन इब्राहिम, पिंजारा शहजाद बिन हमीद, वो आए और मुकालमा पेश करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भाई आप किस मदरसे में जाए मशरत जी? मेरे भाई मैं मदरसा अबू हनीफा के मस्जिद समान कोटिया में तालीम हासिल करता हूँ। क्या भाई आप सवाल करें? जी हाँ भाई आप सवाल करें, इंशाल्लाह मैं उसका सही सही जवाब दूंगा। सात चीजों पर ईमान रखना जरूरी है। नंबर एक अल्लाह ताला पर ईमान रखना, नंबर दो और फरिश्तों पर ईमान रखना, नंबर तीन अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान रखना, नंबर चार अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान रखना, नंबर पाँच और कयामत के दिन पर ईमान रखना, नंबर छह अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से उस पर ईमान रखना, नंबर सात और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखना फर्ज है। अगर इनमें से किसी एक पर भी ईमान नहीं रखता तो वो मुसलमान नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया वाले।